दोस्तों, यहाँ तक आने में जो सिंटा ने मुझे सपोर्ट किया और चांस दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। एक शेर अर्थ करना चाहूंगा, जैसे दर्शकों की जान है प्रीति जिंटा, जैसे दर्शकों की जान है प्रीति जिंटा, वैसे हम कलाकारों के लिए महान है हमारी सिंटा। सिंटा ने ये जो आयोजन किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही है, मैं तो सारी फिल्मों का फैन हूँ। क्या क्या फिल्में बन रही है, पिछली बार आई थी क्विक गन मुर्गन, अभी ये पापा जी बैठे हुए हैं, मैंने इनसे पूछा कि फिल्म कैसी है, गंदी स्टोरी है, गंदी स्टोरी है, मैं गया ही नहीं पिक्चर देखने। एक हफ्ते बाद मुझे इन्होंने पूछा, फिल्म देख ली आपने, मैंने कहा नहीं, आपने तो कहा था गंदी फिल्म है, तो मैं फिल्म में गया ही नहीं। ओ यार, गंदी स्टोरी है। तो ये हमारे पंजाब की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात करें तो बात अलग ही हो जाती। गुजराती भाई, उनकी फिल्में देखिए आप, हीरो जो है नरेश कनोडिया, जूनियर जॉनी भाई, एकदम घुंघराले बाल और कपड़े पहन के तैयार रहता है एकदम, कि मैयत के सीन में भी तैयार रहता है कि कब डांडिया करना पड़ जाए, डांडिया एकदम हाथ में होता है, मरी मही नहीं सुवा छे एकला माटे केतला माटे खून नहीं केम, जैसे वो सीन चेंज हुआ मलबड़ा और डांडिया कर रहा है। गुजराती भाई के बारे में यही कह सकते हैं हम लोग कि इनके दिल में भले ही इंडिया है, दिमाग में हमेशा डांडिया ही रहता है। तो फिल्मों की बातें कर रहा था मैं, हमारे एक भैया जी बाजू में फिल्म दिखा कर अपने वाइफ को लाए, तो वाइफ परेशान थी, कौन फिल्म दिखाए हमको, ए राम के बापू कौन फिल्म दिखाए, भाई साहब कौन सी फिल्म दिखाए, इनको हम जो दिखाए हैं वो है दिखाए लकवा। ये लकवा फिल्म का भाई, ये तो लकवा बीमारी है ना, मुझे लगता है सबकी फिल्में आती भी होगी। कब आई ये फिल्म, वही रवि किशन मिथुनदा जिसमें काम किए हैं, तो कोई भोजपुरी फिल्म होगी, रवि किशन को छोड़ो, मिथुनदा ने जो काम किया है उस पिक्चर का नाम है लकवा। मैंने कहा सर वो फिल्म लक है, लक लक आपके लिए लक होगा, यूपी में जो है जल का जलवा हो जाता है, मन का मनवा हो जाता है, लक का लकवा हो जाता है। ये तो ठीक है, बीच में फिल्म आई थी कमीने, उस फिल्म को देखने के लिए एक बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी मुझे कमीने दिखाओ ना,